हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरुआत करते हैं हम कि कहाँ से आज पूरा का पूरा इंडिकेशन मिला। तो देखिए, अगर निफ्टी 50 आपके स्क्रीन के ऊपर है और यहाँ पर जो भी गेनर्स हैं वो आपकी नज़र पर आ रहे होंगे, सबसे पहले देखिएगा कि जो गेनर है वो सबसे बड़ा गेनर है विप्रो। विप्रो के बाद है सिप्ला, फिर है टाटा स्टील, फिर है टाटा मोटर्स, फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, फिर है इन्फोसिस। इस तरीके से आपको जो है गेनर्स नजर आ रहे हैं, और ये जो गेनर्स हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज सभी जगह से एक पुल बैक था। और हमने वीडियो का जो शीर्षक है वो दिया है बुल्स की शानदार वापसी, और शानदार वापसी के साथ क्या बियर नजर दौड़ाकर देख रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि क्या बियर कहीं छुप कर घात लगाकर देख तो नहीं रहा है अब बुल्स को और अपना शिकार की तलाश में है। ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी आई है वहाँ पर रिकवरी काफ़ी शानदार है, जानदार है, मस्त है, लेकिन साथ में वॉल्यूम्स नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बियर्स ने अपने सेल वाले सौदे अभी हटा दिए हैं और अभी बुल्स को खरीदने का पूरा मौका दे रहा है, और जैसे ही मौका आएगा और वो अपना चौका मार देगा। और मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सारा दारोमदार है वो नेक्स्ट वीक के अंदर FNO की एक्सपायरी के अंदर है। कल तो वीकली एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक के अंदर मंथली और ईयरली सारी एक्सपायरी है। तो अगर हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात करें तो कैलेंडर ईयर की एक्सपायरी है और मंथ की भी एक्सपायरी है, और नेक्स्ट वीक के अंदर जो ट्रिगर है वो जो है बड़ा क्रूशल होगा नेक्स्ट मंथ जनवरी में प्ले करने के लिए। तो नए साल के लिए जो भी आगाज़ होगा वो दिसंबर की क्लोजिंग के साथ ही होगा, और दिसंबर की क्लोजिंग भी लास्ट डे में हो रही है, तो ये भी जो है काफ़ी क्रूशल है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके साथ जो आज एनालिसिस करूँगा, तो आज मेरा एनालिसिस का मुद्दा है वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ध्यान से देखिएगा। ये बात है पिछले शुक्रवार की, और शुक्रवार की जो तारीख थी वो थी 18 तारीख। 18 तारीख को लास्ट के आधे घंटे में अचानक सेलिंग आती है, और वहाँ पर इंडिकेशन मिलता है कि मंडे में फॉल हो सकता है। ये देखिएगा, लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग आई थी। मैंने आपके साथ उस दिन के एनालिसिस में चर्चा भी की थी कि देखिएगा मंडे को फॉल हो सकता है, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में इतनी तेजी से माल बेचा गया था कि जो है सेलर को पता था या बियर को पता था कि उसको सोमवार को माल बेचना है। सोमवार को 1-1.5 घंटे आराम से बिताए और उसके बाद बहुत तेजी से सेल की। और वॉल्यूम्स देखिएगा, जो लाल कलर के इंडिकेशंस हैं ये बियर कैंडल्स हैं, तो आप इन बियर कैंडल्स को देखेंगे तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सेलिंग हुई। उसके बाद अगर हम 22 तारीख के बाद 21 तारीख के बाद अगर हम 22 तारीख की भी बात करें तो मॉर्निंग में भी जबरदस्त जो है सेलिंग हुई। तो ये देखिएगा, ये जो सेलिंग हुई ये काफ़ी सीवियर सेलिंग थी, और सीवियर सेलिंग इसलिए थी कि इतनी जल्दी पुल बैक आ जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या है कि अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर जितने भी शेयर्स हम जनरली बैंकिंग के स्पेशली ट्रैक करते हैं, क्योंकि इंडेक्स का हैवी वेट वही होता है, और यहाँ पर जब हमने उनको एनालिसिस करने की कोशिश की और निफ्टी के बाकी शेयर्स को भी अब जब हमने एनालिसिस करने की कोशिश की, तो हमने पाया कि जो वॉल्यूम्स हैं वो लोअर साइड में। तो देखिएगा, आप निफ्टी के वॉल्यूम्स देख रहे हैं इस समय, और निफ्टी के वॉल्यूम्स देखिएगा कि जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं वो लो वॉल्यूम्स के साथ चल रही हैं, यानी कि सेलर नहीं है ऊपर माल बेचने के लिए। और बीच बीच में एक दो रेड कैंडल्स आ रही हैं, लेकिन अभी बियर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और इस फिराक में है कि ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लाएं बुल्स और फिर माल बेचा जाए। तो बुल्स क्लेवरली जो है इंतजार कर रहा है कि मार्केट ऊपर आएगी तभी वो माल को बेचेगा, और स्मार्ट प्ले जो है यही रहता है कि नीचे अपना माल ना बेचा जाए, माल अपना ऊपर ही बेचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और बुल्स की ये कोशिश होती है कि माल नीचे से खरीदा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन मार्केट में सभी तरीके के प्लेयर्स होते हैं, तो उनकी वजह से सभी तरीके के मोमेंटम्स आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अब अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो सिमिलर तरीके के जो व्यूज़ हैं जो निफ्टी के अंदर थे वही बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिएगा कि जो कैंडल्स है फ्राइडे वाली, लास्ट फ्राइडे की, वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी निफ्टी में सेल थी।
क्योंकि यहाँ पे HDFC बैंक ही लास्ट में और कोटक बैंक के अंदर ही सेलिंग आई थी, बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वो खड़े हुए थे। तो इसलिए हमारा आज का जो है चर्चा ये रहती है कि जो बैंकिंग शेयर्स है उनमें कौन ज़्यादा वीक है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा वीक है अभी HDFC बैंक, अगर हम वीकनेस की बात करें टेक्निकल पैरामीटर्स पे। भाई फंडामेंटली तो आप लोग जानते हैं कि जो न्यूज़ फ्लो है HDFC बैंक पे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 18 तारीख में भी, तो 18 तारीख में दिन से ही उसमें माल बिका, दिन में माल बिका वो अच्छे वॉल्यूम के साथ, दिन भर नहीं बिका, फिर देखिएगा इस शाम को फिर जाते जाते उसमें सेलिंग हुई। उसके बाद जब 21 तारीख आई यानी कि सोमवार, तो 21 तारीख को भी जो है उसमें अच्छी सेलिंग थी, हालांकि सुबह सेलिंग थी, दिन भर इतनी नहीं थी लेकिन शाम को सेलिंग आ गई। 22 तारीख के अंदर सुबह सुबह अच्छी कल सेलिंग थी लेकिन फिर जो है बुल्स ने मार्केट उठा ली। देखिए जब मार्केट उठ रही है तो ग्रीन से जो कैंडल्स हैं वो हैं तो स्ट्रोंग लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है उनमें ज़्यादा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ रेड कैंडल्स हैं, तो आज भी जो है सुबह एक बार कोशिश हुई, अगर आज की बात करें तो बीयर्स ने एक बार नीचे जो है HDFC बैंक को पटकने की कोशिश की और आज भी 1361 के लो लगे अच्छे वॉल्यूम के साथ, लेकिन फिर वहाँ बुल्स ने जो है कंट्रोल करना चाहा और फिर बियर ने छोड़ दिया बिल्कुल आज की, चलो इसको ऊपर जाने दो। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बियर जो है आराम कर रहे हैं और जो है वॉल्यूम्स भी नहीं था, यानी कि जो आप देखेंगे तो HDFC बैंक के अंदर जो है करीबन 11 साढ़े 11 जो मिलियंस का जो है वॉल्यूम होता है, तो आज वो करीबन 8 मिलियंस के आसपास था, तो जो वॉल्यूम्स था वो भी आज जो है कम था NSE के ऊपर। तो ये इसी शेयर के अंदर नहीं बाकी सभी शेयर में। इसके अलावा जो दूसरा कमजोर बैंक है वो है कोटक बैंक ऊपर से, हालांकि देखिए अभी तक अगर आप उसको देखेंगे तो मजबूत है, अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, वहां से 50 रुपये की रैली, लेकिन अगर आप पिछले 5 दिन में देखेंगे तो पिछले 5 दिन में वॉल्यूम के साथ सेलिंग इसमें भी जबरदस्त हुई है। जो सबसे कमजोर है उस कड़ी के अंदर हम ICICI बैंक को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना वीक नहीं है जितना HDFC बैंक और कोटक है, लेकिन वीकनेस इसमें भी है, बड़ी कैंडल्स हैं लेकिन इसके वॉल्यूम्स उतने ज्यादा कम नहीं है जितने उन दोनों बैंकों के हैं। हालांकि आज भी ICICI बैंक के अंदर आज के ट्रेड में 50% वॉल्यूम्स थे, तो आप देखिएगा जो वॉल्यूम्स थे 3 मंथ्स के जो एवरेज वॉल्यूम्स से अगर हम कंपेयर करें तो वॉल्यूम कम थे। तो कम वॉल्यूम के साथ जब ऊपर मार्केट चलती है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं और वहां पर जो है बियर आके प्रॉफिट बुक करने का जो है प्लान करता है। तो इस के अंदर हमें यही जो है सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि ऐसे केस के अंदर जो है आपको बड़ा अलर्ट होके काम करना है, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी तेजी से जो है चलते हैं ऐसे मामले में और आज भी चलते हुए आपको नजर आए। अब देखिएगा जब गिरावट है हीरो मोटोकॉर्प, और हीरो मोटोकॉर्प जो है अभी देखिएगा 3000 के लेवल पर, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी कि ऑटो के अंदर जब भी मार्केट गिरेगी ये शायद जो है मार्केट को डिफेंस करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो शेयर है ये काफ़ी अच्छा चला है, लेकिन अभी भी टू व्हीलर्स के अंदर इसकी जो वैल्यूएशन है वो स्ट्रेच नहीं है। इसकी भी बात करें, बजाज ऑटो की भी बात करें, दिग्गज कंपनी है, तो जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी कभी भी तो ये जो है जरूर से जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके अंदर जब 2700 रुपये के आसपास ये शेयर आएगा तो इसमें बहुत जबरदस्त वैल्यू बाय भी जो है बनती हुई हमें नजर आएगी। तो बहुत जो बढ़िया तरीके से जो निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं वो भी उस समय पर जो है इसको एग्रेसिवली जो है बाय करने का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो 2700 रुपये के जो लेवल्स हैं वहाँ पर इसमें स्ट्रॉन्ग जो है एक मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ के लिए जो है बनता हुआ नजर आएगा, तो जब भी ये 2700 के आसपास आएगा तो गिरावट के जो है रुख को जो है ये रोकने की कोशिश जो है जरूर करता हुआ नजर आएगा। कैंडल देखिएगा निफ्टी की एक लाल कैंडल सोमवार की और दो जानदार रिकवरी वाली कैंडल, शानदार रिकवरी, और बस एक कैंडल और बनी तो सारी रिकवरी पूरी हो जाएगी। यानी कि एक जो बड़ी कैंडल रेड कैंडल है उसको अभी एक और कैंडल की ज़रूरत है और आप अपने पुराने लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्राइडे के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्राइडे के लेवल पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कल पता चलेगा, कल वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पर जो है कल दारोमदार रहेगा, कल वॉल्यूम भी आपको अच्छा मिलेगा देखने के लिए, और मार्केट ऊपर के लेवल पर आ चुकी है, बुल्स ने माल खरीद लिया है, बियर्स ने हफ्ते के दौरान माल बेच लिया है, हफ्ते के दौरान अभी भी बियर्स हावी हैं क्योंकि ज़्यादा माल उन्होंने बेचा है, तो कल एक अच्छी लड़ाई जो है बुल्स और बियर के बीच में होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो निफ्टी के अंदर जो सारा दारोमदार है वो IT स्टॉक्स के ऊपर तो बुल्स रखते हुए नजर आ रहे हैं डिफेंसिव की तरफ, और बियर्स जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ है, और बैंकिंग के अंदर अभी भी वीकनेस ज़्यादा है, आप जब कैंडल का एनालिसिस करेंगे तब भी आप देखेंगे। तो आज भी देखिएगा इन्फोसिस, HUL, बजाज फाइनेंस, TCS और ITC के दम पे चली, तो बजाज फाइनेंस में एक पुल बैक था आज और काफ़ी अच्छा पुल बैक जो है इसने दिया, और इसमें बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशंस भी जो है
बनी हुई है, क्योंकि जब इसने 5,000 के लेवल तोड़े थे तो यहाँ पर काफी जो है मोमेंटम इसके अंदर देखने के लिए मिला भी था। डिवीज लैब, टाइटन, ब्रिटेनिया, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी, यहाँ से गिरावट थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर देखिएगा आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बुल्स के फेवर में थी। सुबह तो थोड़ी देर लड़ाई हुई आधा एक घंटा, लेकिन उसके बाद एडवांस के नंबर्स इतने ऊपर थे कि डिक्लाइन वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो 1522 के सामने 223 घटने वाले थे और 1522 बढ़ने वाले थे। ये निफ्टी बैंक, हालांकि निफ्टी के बराबर ही लगभग लगभग बढ़ा है क्योंकि वो 1% चला है, तो ये 0.87, लेकिन यहाँ पर वीकनेस जो है वो वास्तव में जो रिजल्ट आएंगे जनवरी के अंदर उसको कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक के शेयर्स डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मंडे का फॉल भी देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि मंडे का फॉल का भी जो कल्प्रिट था ना वो बैंकिंग शेयर ही थे। अगर बैंकिंग शेयर्स के अंदर जो 1200 पॉइंट की गिरावट जो नहीं होती बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी 400 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिर सकता था। तो ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं वहाँ पर मार्केट को अभी भी कंसर्न लग रहे हैं। बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि रिजल्ट अभी भी बढ़िया नहीं होने वाले हैं। ब्रॉडर मार्केट के अंदर अभी भी बैंकिंग के ऊपर जो है बहुत लॉन्ग पोजीशंस जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और यही रीजन है कि बैंकिंग के ऊपर वीकनेस है। ब्रॉडर मार्केट भी ये बात जानती है, लेकिन पिछले महीने जो है जिस तरीके से बियर्स को ट्रैप किया था बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, तो वो जैसे जैसे नीचे आती है वो बेचारे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और बहुत सारे जो बियर्स थे और जो ट्रैप हो गए थे वो शायद मंडे के दिन निकल भी गए होंगे। तो अब इतनी शॉर्ट कवरिंग है भी नहीं निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के अंदर, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक के अंदर काफ़ी शॉर्ट्स हैं। ये देखिएगा चार्ट, ये चार्ट देखिएगा, बड़ी कैंडल, पर एक तो नो बॉडी कैंडल थी, दूसरी जो रिकवरी आई है वो भी कम आई है। तो आप देखिएगा जहां पर 66% रिकवरी हो गई है सोमवार के मुकाबले में निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में वो 33% के आसपास ही है। तो इसकी जो रिकवरी है वो वीक है। और यहां देखिएगा हालांकि आज सारे जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स अच्छे चले हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं था कि आज कोई ऐसा लग रहा हो कि भाई बैंक के जो शेयर्स हैं उनकी मारा मारी है, उन्हीं को खरीदने आज तो। लेकिन एक सबसे खास बात जो थी वो आज सेलर नहीं थे, जैसे मंडे को बायर नहीं थे तो आज जो है सेलर नहीं थे। आज ये डेटा यहाँ से भी पता चल रहा है कि FIs ने बहुत दिनों के बाद, क्योंकि एक तो सेल की थी मंडे को, वो तो डेटा आपके पास है, लेकिन जो बाइंग के जो डेटा है वो भी घटते जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी आगाह किया था कि देखिएगा ये जो डेटा है वो घटते जा रहे हैं 536, और ये क्यों घट रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी क्रिसमस पे चले गए। ऐसा नहीं है क्रिसमस पे चले गए, इसका एक रीज़न और भी है। देखिएगा उन्होंने पूरे महीने भर जो है माल खरीदा है, पूरे महीने भर। तो उनकी जो FNO की पोजीशंस हैं वो लॉन्ग साइड भी हैं, बहुत लॉन्ग्स हैं उनके। तो उन्होंने थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग जो है जरूर से जरूर जो है FNO में करते रहे हैं। तो अब FNO के अंदर जो उन्होंने खरीदा है उसके सामने, सॉरी, जो लॉन्ग खरीदे तो उनके सामने उनकी हेज पोजीशंस भी होंगी जो शॉर्ट्स हैं, या उन्होंने जो पुट बाय कर रखी होंगी। तो ऐसा होगा कि वो अगले हफ्ते एक बार जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनकी जो पुट्स हैं उनके वो प्रॉफिट को बना सके। और जैसा सोमवार को देखने के लिए मिला था कि वो नेट सेलर थे, हालांकि बड़ी मात्रा में नहीं थे, लेकिन फिर भी HNI इन्वेस्टर जो थे उनकी सेलिंग के सामने उन्होंने भी सेल ही किया था। तो अभी आज ऐसा लगता है कि जो आज नेट सेलर है बड़े प्लेयर्स, तो आज HNI ने जो है बाय किया है, जो ज़्यादा माल बेच दिया था वो आज जो है खरीद लिया। तो कल जो है एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है, वोलाटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। बट मुझे कल का ऐसा लगता है कि कल मार्केट को जो है बड़े प्लेयर्स नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, और अभी जो 6 दिन 5 दिन जो बचे हैं वो वास्तव में बड़े प्लेयर्स FIs जिस तरीके से अपनी बाइंग को कम करते जा रहे हैं, टोटेलिटी के अंदर भी आप देखिएगा जो बाय और सेल के जो दोनों डेटा थे वो 10-10, 11-11 करोड़ आ रहे थे, वो अभी देखिएगा वो घटकर आधे हो गए हैं। तो वॉल्यूम्स आज आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि यहाँ से भी कम था, हालांकि DIs के जो डेटा है वो भी थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वॉल्यूम काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। उसका पुट कॉल रेशियो देखिए 1.52 है, तो ये नॉर्मल है, कल जितनी इसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए। तो आज का जो एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज के लिए मैंने आपके साथ जो शेयर डिस्कस किया है वो है हीरोंडा। जब भी मार्केट में गिरावट आएगी 2700 रुपये के आसपास जो है इसमें कच्चा बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, आप अपनी नज़र बना के रखिएगा, और जब मौका मिले तो आप जो है
अपने जिस तरीके के ट्रेड्स हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से जो है कर भी सकते हैं उसमें। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।